लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ऑफ एक्सरसाइज दैट इज वॉल्यूम एंड सेवेंटी एरिया ऑफ सॉलिड क्वेश्चन नंबर इज अ स्फेरिकल बॉल ऑफ ट्वेंटी वन सेंटीमीटर इज मेल्टेड एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है ट्वेंटी वन सेंटीमीटर उसको मेल्ट किया गया साइड बाई साइड कर लेते हैं ये एक स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है हमारा ट्वेंटी वन सेंटीमीटर राइट इसको मेल्ट किया गया आगे क्या कह रहा है आगे कह रहा है एंड रिकास्ट इन टू क्यूब्स और बहुत सारे क्यूब्स बनाए गए ईच ऑफ साइड वन सेंटीमीटर जिसकी साइड वन सेंटीमीटर थी फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स सोफॉर्म तो कितने क्यूब्स बनाए गए ये बताना है ये क्यूब्स बनाए गए जिसकी साइड है वन सेंटीमीटर ये कह रहा है तो आप जो जो दिया हुआ है वो वो लिख लेते हैं हमें डायमीटर दे रखा है स्फीयर डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बॉल स्फेरिकल बॉल दे रखी है हमें ट्वेंटी वन सेंटीमीटर तो रेडियस कितना हो जाएगा रेडियस हो गया हमारा रेडियस ऑफ बॉल कितना आ गया देट इज़ डायमीटर का आधा ट्वेंटी वन अपॉन टू आ गया और वी कैन से दैट 10.5 सेंटीमीटर आ गया अब इसी तरीके से हमें एज दे रखी है क्यूब की एज ऑफ क्यूब कितना दे रखा है वन सेंटीमीटर अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालनी है तो कैसे करेंगे देखिए स्फीयर बॉल मेल्ट की गई है और उसमें से क्यूब्स बने हैं तो इसका वॉल्यूम क्यूब्स के इक्वल होगा तो हमने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फियर वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल कितना आया स्फेरिकल बॉल जिसका फ़ॉर्मूला होता है फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब तो ये कितना आ गया फोर अपॉन थ्री पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू अपॉन सेवन आर कितना है आप टेन पॉइंट फाइव लीजिए या ट्वेंटी वन अपॉन टू लीजिए बात एक ही है क्योंकि टेन पॉइंट फाइव भी कट करके जब आप पॉइंट हटाएंगे और कट करेंगे तो ट्वेंटी वन अपॉन्ट टू ही आ जाएगा तो इसलिए मैं ट्वेंटी वन अपॉइंट टू ही ले रही हूँ तो देखिए टू वन जो टू 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 जो फोर टू वन जो टू टू वन जो टू टू वन जो टू इलेवन थ्री वन जो थ्री थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन एंड सेवन सेवन कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया ट्वेंटी वन इंटू ट्वेंटी वन इज फोर फोर्टी वन फोर फोर्टी वन इंटू एलेवन कितना हुआ इलेवन वन जो इलेवन इलेवन फोर जो फोर्टी फोर फोर्टी फाइव इलेवन फोर जो फोर्टी फोर प्लस फोर इज फोर्टी एट तो ये आ गया फोर एट फाइव वन सेंटीमीटर क्यूब अब हमें एक क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब कितना आया दैट इज साइड का क्यूब होता है तो साइड थी वन सेंटीमीटर की तो उसका क्यूब कितना आया वन सेंटीमीटर क्यूब आ गया अब हमें नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने तो नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे निकलेंगे बेगर वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब से तो वो कितना आ गया स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम था फोर एट फाइव वन अब वन से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा फोर एट फाइव वन ही आएगा तो इसका मतलब हमारे कितने क्यूब्स निकल गया है फोर एट फाइव वन इस स्फेरिकल बॉल में से आंसर